बंगाल थंडर्स वर्सेस मुंबई रंबल्स का ये मैच है। रॉयल स्टेडियम में ये मैच हो रहा है। एपिसोड नंबर 23 है ये। टॉस का समय यहाँ पर फिलहाल हेड्स चूज़ करेंगे हर बार की तरह, और हेड्स अगर हम चूज़ करके जीत गए तो बैटिंग चूज़ करना पसंद करेंगे। और बिल्कुल हाँ, टॉस हम जीत चुके हैं, बैटिंग का फ़ैसला किया हमने, और बैटिंग का फ़ैसला सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं, और इन दोनों को हम एज एन ओपनर ले आएंगे, एस सक्सेना स्ट्राइकर एंड पर नहीं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, और एस वर्मा जो हैं वो स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन आ चुका है, और हाँ, हम इस वजह से इनको लेकर के आए हैं, इन दोनों ओपनर्स को लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये दोनों एक ठीक ओपनिंग जोड़ी रहेंगे, एक ठीक ओपनिंग पार्टनरशिप दे सकते हैं हमको। और इंडिया रीजनल ब्लिट्ज रहा हो या फिर इंडिया क्लब मैचेस रहा हो, हमारे बाद अगर किसी बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, यानी कि दुबे के बाद किसी बैट्समैन ने अगर सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, तो वो एस सक्सेना और एस वर्मा ही हैं। तो इन दोनों को हम एज एन ओपनर लेकर के आए हैं, और अगर आपने वो दोनों ही सीरीज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में WCC3 के कैरियर मोड की पूरी सीरीज़ का वो लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इस सीरीज़ की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ पर अपनी पहली ही बॉल पर एस सक्सेना ने विकेट गंवा दिया है। ये शॉट जब लगा ना, तो पहली बात तो हमें ये लगा कि हाँ, ये एक अच्छा शॉट है, बैट से काफ़ी तेज़ निकली है, पर फिर हमने देखा कि उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी वहाँ पर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉल बस बाउंड्री तक नहीं, बाउंड्री के पास खड़े उस फील्डर तक ही जा पाई, और आसान सा वो कैच, और आसान नहीं, उतना भी आसान नहीं था, पर हाँ, उस फील्डर की तरफ से तो ऐसा ही लगा कि बहुत आसानी से पकड़ लिया है। यहाँ पर फ़िलहाल हाँ, यहाँ तो छक्का मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि वहाँ कोई फील्डर भी नहीं है, और दूसरी बात ये काफ़ी लंबा शॉट था, वहाँ पर तो बिल्कुल बाउंड्री रोप पार होनी ही थी। इस बार क्या गैप में शॉट लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर गैप काफ़ी अच्छा है, और ऐसे गैप में से हमने बहुत बार चौके लगाए हैं, बहुत बार छक्के भी लगाए हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ ये शॉट है, और सिंगल बिल्कुल मिल जाएगा, 8 रन। पहले ओवर की अगर हम बात करें तो पहले ही ओवर में एक विकेट चला गया और 8 रन आए हैं। पिछला वाला जो मैच था ना, वो मैच हम हार गए थे, हमारी टीम हार गई थी उस मैच को, और इंडिया रीजनल ब्लिट्ज से हमारी टीम बाहर हो गई, और 12 मैचेस बचे हुए थे, 12 मैच पहले ही हमारी टीम बाहर हो गई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करे, और इसी वजह से आज हमने टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला भी किया, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि हमारे जो टीम के बैट्समैन हैं, जो बाकी प्लेयर्स हैं, वो कैसी बैटिंग करते हैं। यहाँ पर एक और विकेट जा चुका है, 5 बॉल में 8 रन बना करके एक और प्लेयर आउट हो चुके हैं। ये T20 मैच है, पहली बात तो ये कोई 5 ओवर का मैच नहीं है, 2 ओवर का मैच नहीं है, ये T20 मैच है, और T20 मैच में अगर शुरुआत के 2 विकेट्स आपके इतनी तेज़ी से गिर जाएं, तो वहाँ से फिर टीम को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर फिलहाल फुल लेंथ की ये बॉल है, देखना होगा किस तरफ खेलते हैं, और डॉट किया इस बॉल को, लीव किया है। आगे आने वाले बैट्समैन डी जैन हैं, फिर दुबे आएंगे, और उनके बाद ए सिंह आएंगे। यहाँ पर एक फुल टॉस लेंथ की बॉल है, देखना होगा इसको किस तरफ खेलते हैं, और डिफेंस किया है, चलो सही इंटेंट है, आखिर अभी लॉफ्टेड शॉट्स खेलने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी अगर ये थोड़ी बहुत एक पार्टनरशिप कर भी दें, थोड़ा धीमे भी खेलें तो काम चल जाएगा, हम आएंगे तो तेज़ खेलेंगे। पर यहाँ पर एक और विकेट जा चुका है यार, 3 विकेट जा चुके हैं हमारी टीम के, बंगाल थंडर्स की टीम के 3 विकेट जा चुके हैं, 8 रन और 3 विकेट। अब अगर यहाँ से हमारी टीम को जीतना है ना, तो कुछ बहुत ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होगा। यहाँ पर डी जैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन ये आ रहे हैं, और ये जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ये क्या चीज़ राइट करने वाले हैं आज के इस मैच में, हम देखना चाहेंगे।
यहाँ पर एक फुल लेंथ की बॉल है और लीव किया है इस बॉल को, पर ये तो बहुत ही डरावना लीव था क्योंकि जितनी पास से वो गई है ना वो बॉल विकेट के, कि मतलब बस थोड़ा सा और अंदर होती तो बस आउट हो जाते, विकेट इनका भी चला जाता। अभी एस वर्मा जो हैं दो बॉल में एक रन पर खेल रहे हैं, ठीक प्लेयर हैं ये, उम्मीदें इनसे हमें है, पर यहाँ पर इस ओवर की पहली ही बॉल पर इनका भी विकेट जा चुका है। T20 मैच में 8 रन और 4 विकेट, अब यहाँ से क्या होने वाला है इस मैच में? अब दुबे को हम लेकर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनका आना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब अगर इनको ले आने में हमने थोड़ी सी भी देर और की ना तो ये मैच बिल्कुल हम यहीं हार जाएंगे। वैसे मैच तो हमारे हाथ से निकल चुका है और बिल्कुल निकल चुका है। और खैर यहाँ पर पहली बॉल पर एक सिंगल लिया हमने और इस एक सिंगल के साथ स्ट्राइकर एंड पर डी जैन आ चुके हैं। आगे आने वाले जो बैट्समैन हैं वो बहुत देर तक आने वाले नहीं हैं, मतलब अगला जो आएगा वो ऑलराउंडर है और उनके बाद जो दो लोग आएंगे वो बॉलर्स हैं। यहाँ पर एक अच्छा लॉफ्टेड शॉट, सर्कल के अंदर ही सारे फील्डर्स थे तो उनको पार कराया और एक वन बाउंस चौका बटोरा यहाँ पर डी जैन ने। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट है, क्या ये छक्का? बिल्कुल नहीं, पर चौका मिला है। लगातार दो चौके लगा चुके हैं डी जैन पर, हम यही चाहेंगे कि इतनी तेज़ी के साथ भी खेलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा विकेट भी संभालें। और एक और ये सामने की तरफ शॉट और एक और ये छक्का, क्या बात है। पर हाँ थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि 4 विकेट जा चुके हैं हमारी टीम के, अगर ये भी चले गए तो फिर 3 ही ओवर में अगर 5 विकेट चले जाएं तो फिर मैच को वो बिल्कुल ख़त्म भी समझा जा सकता है। और वैसे ख़त्म तो अभी भी समझा जा सकता है क्योंकि 3 ओवर हुए हैं और 4 विकेट जा चुके हैं। खैर अभी हमें ये भी नहीं पता कि दुबे आज के मैच में कैसा खेलेंगे, क्या आज उनका दिन रहेगा, क्या आज के मैच में वो एक 40, 50, 60 रन भी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और सामने जो मौजूद हैं, जो डी जैन हैं, वो आज के इस मैच में क्या हमारा साथ दे पाएंगे, क्या वो भी कुछ 40-45 रन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं पता। पर अभी सिर्फ एक चीज़ है जो पता है कि हर बॉल पर कुछ रन्स लेने की कोशिश करना है, कुछ सिंगल डबल पर ध्यान देने की कोशिश करना है। यहाँ पर 9 बॉल थी और फ्री हिट मिली हमें, अब फ्री हिट पर तो छक्का बिल्कुल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ की। एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश पर टाइमिंग इसकी बहुत लेट है और फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाए हम, सिर्फ एक सिंगल ही मिल पाया है। डी बोस का ये ओवर है, 2 विकेट ये पहले ही ले चुके हैं एक ओवर में, एक ओवर इन्होंने डाला है अभी तक के और 2 विकेट ले चुके हैं, रन सिर्फ 2 दिए इन्होंने, तो इनके ओवर को फ़िलहाल नॉर्मली निकल जाने देते हैं, कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पीछे की तरफ ये शॉट है, एक सिंगल लेंगे हम और बिल्कुल वापस से स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। 3 बॉल में 2 रन पर खेल रहे हैं दुबे। एक डी बोस के ओवर में एक चौका तो हम ज़रूर लगाना चाहेंगे। यहाँ पर पीछे की तरफ ये शॉट था और जो प्लेसमेंट थी ना वो उतनी अच्छी नहीं थी, टाइमिंग ठीक ठाक थी पर प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर प्लेसमेंट थोड़ी सी अच्छी रखने की कोशिश करेंगे, अरे रे ये थोड़ी ज़्यादा दूर हो गई और एक डबल खैर मिल जाएगा और इसे एक डबल के साथ वापस से आ चुके हैं हम स्ट्राइकर एंड पर। यहाँ पर प्लेसमेंट भी थोड़ी अच्छी और टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी रखने की कोशिश करेंगे और टाइमिंग हाँ ठीक है, अरे रे फील्डिंग यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं थी और इस फील्डिंग की वजह से मिला है हमें एक चौका। और चलो डी बोस के ओवर में खैर हमने एक चौका तो लगा दिया। 4 ओवर का मैच हुआ है अभी तक के और हमारी टीम ने 32 रन्स बना दिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और 8 रन पर थी हमारी टीम जब 8 रन पर थी हमारी टीम जब 4 विकेट जा चुके थे। अभी यहाँ पर थोड़े बहुत रन्स जुड़ रहे हैं पर इतने से तो काम नहीं चलने वाला क्योंकि हमारे सारे बैट्समैन जा चुके हैं, सिर्फ एक ऑलराउंडर ही बचा हुआ है। और हाँ हम ये बता दें कि ये मैच जो है पूरा इस वीडियो में नहीं है, जाहिर सी बात है ये मैच आपको कई सारे एपिसोड्स में आगे मिलेगा। यहाँ पर फ़िलहाल इस
ये जो ओवर है ये आखिरी ओवर है इस एपिसोड का, और करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो वो 7.38 का चल रहा है। यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की बॉल है, एक सिंगल मिल जाना चाहिए, और बिल्कुल जी हाँ सिंगल एक मिल चुका है। 10 बॉल में 16 रन पर डी जैन खेल रहे हैं। यहाँ पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला जा सकता है क्योंकि शॉर्ट लेंथ की ये बॉल थी, और बिल्कुल हाँ यहाँ पर तो छक्का लगाया हमने। और ज़्यादातर के जब भी शॉर्ट लेंथ की बॉल मिलती है दुबे को तो ये बिल्कुल उसको छक्का लगाने की ओर देखते हैं, और अगर छक्का नहीं तो कम से कम चौका तो लगता ही है। यहाँ पर फिलहाल गैप में शॉट खेलने की कोशिश पर अरे रे, एक तो पहली बात ये ना वो बॉल की लाइन में नहीं थे, अगर बॉल की लाइन में होते तो शॉट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर भी एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश, और यहाँ भी ये छक्का है, क्या बात है। एक छक्के के साथ इस ओवर को हमने ख़त्म किया, और इसके आगे का मैच जो है वो आपको आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।